हरे कृष्णा राधे राधे। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। और आज की पोशाक जो मैं बना रही हूँ वो राजस्थानी पोशाक बना रही हूँ लालन को। ये पोशाक मैंने बहुत टाइम से नोटिस कर रही थी, इंस्टाग्राम के एक पेज गजानंद पोशाक करके पेज है वहाँ पे, तो मुझे काफ़ी टाइम से ये पोशाक लेनी थी, तो फाइनली मैंने ये ली है। मैंने एक बार पहना चुकी लालन को, तो आज मुझे अगेन पहनाने का मन हुआ कि राजस्थानी पोशाक में आज इनका वापस से श्रृंगार करती हूँ। तो ये जो पोशाक है ये मैंने 4 नंबर के जो लालन को आती है वो साइज़ की ली थी, बिकॉज़ थोड़ी बड़ी पोशाक ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये देखिए चुनरी प्रिंट की है, गोटा पत्ती लगी हुई है, बहुत ही अच्छा घेरा भी है इस पोशाक में, ये बहुत ही अच्छा लगता है। इसका फैब्रिक भी बहुत चमकदार है, जो इन्होंने ऊपर का टॉप का फैब्रिक दिया वो भी बहुत ही सॉफ्ट एकदम सिल्क जैसा फैब्रिक दिया है, और चारों तरफ गोटा लगा हुआ है। ये देखिए मैंने जूम आउट कर दिया, और इसमें जो बांधने के लिए इन्होंने ये दिया है लेस साथ में, ये काफ़ी बड़ी है तो आसानी से बांधने में भी बहुत ईजी रहती है, और ये आप अच्छे से बांध के अंदर फोल्ड करके डाल भी सकते हो। तो मुझे इनकी स्टिचिंग और इनका जो काम है बहुत अच्छा लगा, और कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा है। और ये आप रेगुलर में भी पहना सकते हो, कुछ त्यौहार या कोई फेस्टिवल हो तो उसमें भी पहना सकते हो लालन को। तो ये वाली पोशाक में एक जो इनका पटका है, जो ऊपर से दुपट्टे जैसा एकदम चौड़ा पटका इन्होंने दिया है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, वो काफ़ी अच्छा लगता है लालन के ऊपर। उसमें आप इस्कॉन स्टाइल में जैसे राधा कृष्णा रेडी करते हैं और दुपट्टा जैसे फैलाते हैं, वैसे ही मैं क्या करते हैं इसमें उनका दुपट्टा थोड़ा फैलाऊंगी। नेट टाइप का थोड़ा पटका है इसका, रेड कलर का और गोल्डन कलर की, देखिए इसमें गोटा पत्ती वाली पूरी लेस चारों तरफ लगी हुई है। तो देखिए मैं शोल्डर पे उनके रखूंगी थोड़ा सा पोर्शन चुन्नट बना के, और बाकी का अदर साइड निकाल दूंगी जैसा इस्कॉन स्टाइल की ड्रेस में होता है। तो वो जो ड्रेस का लुक है वो काफ़ी अच्छा आता है, और ये दुपट्टा लगा हुआ काफ़ी सुंदर लगता है लालन के ऊपर, बिकॉज़ अगर मैं दोनों साइड से फोल्ड करके अंदर डाल दूँगी तो वो इतना अच्छा नहीं दिखेगा। अभी मैं जो है इसको पिन से नहीं सेट करूँगी, मैं ग्लू की हेल्प से सेट करूँगी। तो मैं सबसे पहले इनका जो नेक पीस है वो लगाऊँगी, और दोनों को एक साथ ही ग्लू के साथ अटैच कर दूँगी। अदरवाइज़ आप ऐसा कर सकते हो कि पहले से पीछे ग्लू लगा दो और दोनों को धीरे धीरे सेट कर दो, तो ये टेक्निक भी काफ़ी अच्छी है। आप पिन से भी दुपट्टा सेट कर सकते हो, जो पिन्स आती हैं जिसके ऊपर वो पर्ल वाले डॉट डॉट बॉल्स लगे होते हैं वो भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो मैंने लालन के लिए गोल्डन वाला सेट आज चूज़ किया है, बिकॉज़ जो मल्टी कलर होता है अगर वो मैं पहनाऊँगी तो उसमें ये जो ड्रेस का लुक है फिर वो नहीं आएगा, फिर सारा फोकस जो है ज्वेलरी पर जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि ओनली गोल्डन पहनाती हूँ, वो इस ड्रेस के साथ प्रॉपर जाएगा भी, और इसमें ज्वेलरी का भी लुक उभर के आएगा, और ड्रेस का जो मतलब कलर है वो भी दबेगा नहीं। अदरवाइज़ आप कोई भी पहना सकते हो ज्वेलरी, बिकॉज़ इसमें 3-4 कलर्स हैं तो सारी ही मैच हो जाएंगी, रेड हो या फिर ग्रीन हो, ऑरेंज हो, येलो हो, ये सारे कलर इस ड्रेस के साथ जाएंगे। तो ये मैं ग्लू की हेल्प से अटैच कर रही हूँ, तो ये ब्लू वाला ग्लू जो होता है उससे भी हो जाएगा, अदरवाइज़ और भी जो आते हैं मोम आती है येलो वाली उससे भी आप कर सकते हो, तो उससे टोटली ये सेफ़ होते हैं, फैब्रिक भी जो इनका होता है लालन के पोशाक का वो भी ख़राब नहीं होता इससे। तो राजस्थानी पोशाक जो होती है वो कलरफुल होती है, जैसा आपको पता है कि काफ़ी कलरफुल होती है, चुनरी प्रिंट में आती है तो काफ़ी सुंदर लगती है लालन पे। और लहरिया पोशाक भी होती है लालन की, और काफ़ी लाइट होती है वो सारी पोशाकें, गर्मियों के टाइम में आप पहनाओ तो लालन को हल्की फुल्की भी रहती है, और उसका कलर भी इतना ब्राइट होता है कि बहुत सुंदर लगता है फेस्टिवल में कभी भी पहनाओ, और रेगुलर डेज़ में भी, या फिर आप वीकेंड में फ्री होते हो तो लालन का श्रृंगार अच्छा करना चाहते हो संडे वगैरह तो, और उसमें हैवी लुक देना चाहते हो तो आप हैवी पोशाक भी, जैसे स्टोन वाली आती है तो स्टोन वर्क के साथ भी चुनरी प्रिंट की पोशाकें आती हैं तो वो काफ़ी सुंदर लगती हैं। ये ऑलमोस्ट इनको मैंने सेट कर दिया, थोड़ा टाइम लग रहा है बिकॉज़ ये नीचे वाली लड़ी सेट नहीं हो रही है। अब हम मुकुट के लिए इनको जो है ऊपर से थोड़ा सा अटैचमेंट के लिए वो स्टॉकिंग लगा देंगे,
उसके बाद मुकुट पहनाएंगे, बिकॉज़ ये जो मुकुट है ये 4 नंबर के साइज़ के अकॉर्डिंग थी। मैं उनको बोलना भूल गई थी कि मेरे लालन 2 नंबर के, तो मुकुट आप छोटे बनाइएगा। ये जो पगड़ी है राजस्थानी स्टाइल पगड़ी, तो ये मैं इनको लगा रही हूँ। तो ये थोड़ा सा मैंने अलग से फैब्रिक नीचे लगा दिया, तो ये अच्छे से पगड़ी सेट हो गई है और बहुत ही सुंदर दिखने लालन। राजस्थान में बहुत तरह की पगड़ियाँ होती हैं, तो उसमें बिग साइज़ की भी ऐसी पहनते हैं। वहाँ पे एक होती है नॉर्मल जितना अपना हेड का साइज है उस साइज़ की पगड़ियाँ, एक होती हैं ओवर साइज्ड बहुत बड़ी बड़ी, आपने बहुत सी वीडियोज़ वगैरह में नोटिस किया होगा। तो ये उस टाइप का पैटर्न लग रहा थोड़ा बड़ा होने के रीज़न से। अभी एयरिंग्स मैंने लगा दी है, अभी मैं बिंदी लगाऊंगी, ये स्टोन वाली रेड स्टोन की बिंदी है। तो ऑलमोस्ट लालन देखिए थोड़ा बहुत ही श्रृंगार हुआ है, लेकिन पूरा लुक प्रॉपर अच्छा लग रहा है। अगर मैं कुछ और ना भी अटैचमेंट लगाऊं या कुछ ना लगाऊं तो भी कंप्लीट लुक लग रहा है देखिए दूर से। अब मैं इनको रिंग के लिए ये नग वाला स्टोन वाला बिंदी होता है वो लगा रही हूँ इनके हाथ में, ताकि वो रिंग का लुक आए। छोटी छोटी डिटेल्स ऐड करो तो बहुत अच्छा लगता है। अब ये छोटा सा अटैचमेंट मैं लगा रही हूँ इनके पगड़ी में, रेड और वाइट मोती का है, स्मॉल से पिन है इसमें, और ये अटक जाएगा। तो ये देखिए जैसे जो एक पगड़ी होती है ये जो मूवीज़ वगैरह में दिखाता है ना मराठा वाली, वैसा अटैचमेंट उसमें होता है ना, उसमें भी लगा सकते हैं आप। रेगुलर राजा महाराजा के स्टाइल में भी इस टाइप के मुकुट्स होते हैं जिसमें थोड़ा सा ये जो है ड्रॉप्स होती हैं पर्ल वाली, तो वो अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने ये लगा दी। आप ये ऑप्शन स्किप भी कर सकते हो। फिर मैं कड़ा पहना रही हूँ उनको, रेड एंड गोल्डन में है, और बांसुरी दे दिए इनको। ऑलमोस्ट रेडी हो गए हमारे लालन। आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। सिंपल सा श्रृंगार है रेगुलर बेसिस पे, बट काफ़ी अच्छा लगता है लड्डू पे इस टाइप का श्रृंगार। तो कलरफुल पोशाक हो उसमें मिक्स एंड मैच करके आप पहनाओ, लुक काफ़ी अच्छा आता है। दुपट्टा वगैरह अच्छे से सेट कर दो आप, जैसे ये वाला मैंने सेट किया है जो इनका पट का, काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो हम सिंहासन विराजित कर देंगे लड्डू को, और आज मैंने उनका जो है छोटा सा कुंड जलाया था, उसमें फ्लावर्स सजा के श्रृंगार किया है, उस फ्लावर्स में फ्रेगनेंस भी डाला है। तो वो जो कुंडा है उसमें पानी भर के मैंने रखा है लड्डू के आगे। मैं आपको अभी पूरा वीडियो दिखाऊंगी उसको सेट करके। और ये हमारे लड्डू की जो है छोटी छोटी पादुका रेड कलर की, ये भी रखूँगी मैं सिंहासन के आगे। पहले मैं इनको विराजित कर दूँ, फिर ओवरऑल लुक आपको दिखाऊंगे। देखिए जूम करके कितने सुंदर लग रहे हैं लड्डू, जबकि मैंने कुछ खास किया भी नहीं है तब भी कितने प्यारे लग रहे हैं। अब ये देखिए मैंने कुंडा और सब कुछ रख दिया, झारी भी रख दी है, और ये देखिए मैं छोटा सा फ्रेगनेंस वाला दिया भी लड्डू के लिए जलाया है अलग से। तो देखिए ऑलमोस्ट लड्डू रेडी हैं, बहुत प्यारे दिख रहे हैं, देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं। तो आपको कैसी लगी वीडियो, प्लीज़ वीडियो शेयर कीजिएगा। राधे राधे।